हेलो गाइस, दिस इज अ थिंग्स स्टार्ट्स। तो आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में और ये कैसे वर्क करता है। तो लेट स्टार्ट टुडेस टॉपिक। जहां आज हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम गिर गया है, इसके बारे में बात करना दुखद एवं गंभीर है। आज हम जानेंगे उन आंकड़ों के बारे में जो कि हमें बताते हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जहाँ की इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 90% चीजें थ्योरेटिकल हैं एंड 10% चीजें जो कि क्रिएटिविटी स्किल पर बेस्ड करती हैं। लड़के इन्हीं से ग्रो करते हैं एंड 90% चीजें थ्योरेटिकल होती हैं। हम कह सकते हैं देयर इज अ नो स्पेस फॉर क्रिएटिविटी लर्निंग। स्टूडेंट हमेशा अपने सिलेबस के बोझ के तले दबा रहता है, जहां उसे कम उम्र में ही प्रेशर डालकर रटी रटाई चीजों को दौड़वाया जाता है। इसके बजाय उसे ना तो क्रिएटिविटी स्किल और ना नई नई स्किल सिखाई जाती हैं। जहाँ ये होता है वो अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाता है और इसी कारण वो अपने ना पहचाने हुए टैलेंट को छोड़कर गधों की उस रेस में भागता है जहाँ उसके सक्सेस होने के चांस केवल 5%। दूसरी तरफ जानेंगे कि क्रिएटिविटी स्किल एंड क्रिएटिविटी थिंकिंग बच्चे क्यों नहीं सीख पाते हैं। इसमें रिस्पॉन्सिबल करती है इंडिया की GDP की, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है एजुकेशन सिस्टम पर, कि वो उन्हें नई नई चीजें दे पा रही है कि नहीं दे पा रही। हम बात करेंगे इंडियन GDP के बारे में कि वो अपना कितना परसेंट अपनी एजुकेशन पर खर्च करती है। तो हम बता दें $120 बिलियन के बजट में इंडियन GDP 3.1% एजुकेशन सिस्टम पर खर्च करती है, जो कि होना चाहिए 6%। वो 6% को ना करके 3.1% अपने एजुकेशन सिस्टम पर खर्च करती है। इसी कारण 2011 में 73% पॉपुलेशन वाज इलिटरेट, जो कि सन 2018 आते आते 77.7% हो गई। और वहीं दूसरी तरफ आज के लोगों का कहना है कि इंडिया ग्रो कर रहा है मेरा। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं अपने प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि 2008 में $450 मिलियन का था, जो कि आगे बढ़कर $14 बिलियन हो गया। बात करेंगे प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम के बारे में, वो अपने स्टूडेंट को उस क्रिएटिविटी नॉलेज पर लेकर जाता है जिसकी उसको जरूरत होती है। वो अपने स्टूडेंट को अच्छे बोर्ड, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट एक्टिविटी में इंगेज करता है और हर एक फैसिलिटी देता है। इसके लिए उसको एक मोटी रकम चाहिए होती, जो कि आज की हमारी मिडिल क्लास फैमिली नहीं अफोर्ड करती। यही कारण है कि हमारे अमीरों के बच्चे ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाते हैं और हमारी मिडिल क्लास फैमिली इसको अफोर्ड नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में, जिसमें आते हैं हमारे सरकारी स्कूल। उसमें ना ही तो अच्छे बोर्ड, बेंच, एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बात ही ढीलो, जहाँ तक कि हमारे सरकारी स्कूल में टीचर तक अच्छे नहीं हो पाते। फिर जब यही स्टूडेंट किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, फिर इनसे कहा जाता है हमें तुम जैसे स्टूडेंट की आवश्यकता नहीं है, हमें एक क्रिएटिव स्टूडेंट चाहिए, हमें एक स्किल्ड स्टूडेंट चाहिए जो कि हमारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। जब इनके बेसिक स्कूल सिस्टम में इस क्रिएटिविटी शब्द की कोई जगह नहीं है, इस क्रिएटिविटी स्किल की कोई जगह नहीं है, तो ये कैसे क्रिएटिव बन सकते हैं, कैसे ये ग्रो कर सकते हैं, कैसे इन्हें कंपनी हायर करेगी। तो ये सब बातें हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में हो रही हैं, इन बातों का पर्दाफाश करना बहुत ही ज़रूरी है। जहां आज की गवर्नमेंट हमारे इन मुद्दों को नज़रअंदाज करते हुए बेफालतू के मुद्दों को उठाकर चित में लाती है, और वहीं हमारी दूसरी तरफ स्टूडेंट का भविष्य जो कि खतरे में जा रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम उस गहरी खाई में गिर रहा है जिसका वहां से निकल पाना मुश्किल है। ये गहरी खाई एक ऐसी खाई है जैसा कि एक शेर का गड्ढे में गिर जाना। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको
पता चला होगा कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस हद तक गिर चुका है और हमें किस हद तक इसको संभालने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को सुनने के बाद हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को उस गहरी खाई में जाने से बचा पाएँ और उसे एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, जो कि उस एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिव स्किल, क्रिएटिव लर्निंग और बहुत सारी उन क्रिएटिविटी थिंकिंग को डेवलप करेंगे जो कि आज के दौर में हमारे लिए आवश्यक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब माई चैनल थिंक स्टैंड्स।